हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन प्रिवेंशन। ठीक है, टॉपिक जो है वो पूरा जो है एक्सप्लोजन और प्रिवेंशन के ऊपर बना हुआ है कि हम कैसे एक्सप्लोजन और प्रिवेंशन को प्रिवेंट एक्सप्लोजन और फायर को प्रिवेंशन दे सकते हैं, प्रिवेंटेड कर सकते हैं। तो टॉपिक हुआ हाउ आर फायर एंड एक्सप्लोजन प्रिवेंटेड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कन्फाइंड स्पेस के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कल भी मैंने कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था जिसमें कि कन्फाइंड स्पेस में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बताया था और मेंटेन बताया था और इन्वायरमेंट का भी बताया था। अभी जो बात कर रहे हैं वो कन्फाइंड स्पेस में होने वाले जो फ्यूम्स रहती हैं, गैसेज रहती हैं, वेपर्स रहती हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि कन्फाइंड स्पेस मैं बता चुकी हूँ आपको, जिसका पूरा जैसे कि टैंक्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, उन्हें कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, जिनकी सफाई करने के लिए एक पर्सन को उसके अंदर जाना पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन जो रहता है एक्सप्लोजन और फ्लेमेबल हजार्ड्स का वो लेस देन 10% रहता है और उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट रहती है ये। ठीक है, कम से कम वाला एक्सप्लोजन लिमिट जो रहती है वो उसकी 10% रहती है और जो लेवल ग्रेटर रहता है उसका वो 23% रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, उसका लोअर एक्सप्लोजन लिमिट अगर इसकी रहती है तो हम श्योर रह सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस जो है वो अभी सेफ है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो ख़तरनाक है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जब भी अब जैसे कि कोई भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने जा रहा है, अब वो वर्क करने तो जा रहा है पर उसके लिए हम मतलब उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई भी कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने जा रहा है, मान लीजिए हॉट वर्क करने जा रहा है, अब वो उसको करनी है वेल्डिंग या कुछ भी, वहाँ एक होल हो गया है उसको रिपेयर करने, वो गया, अब वो कैसे चेक करेगा कि मतलब उसके यहाँ का जो भी कन्फाइंड स्पेस का जो परसेंटेज है, जो उसका LEL है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, वो बढ़ गई है या डिक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो कैसे उसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो मतलब चेक करता रहता है कि अंदर के अंदर क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें हैं, कितना उसका एक्सप्लोजिव लिमिट क्या हुई है, एक्सप्लोजन लिमिट क्या हो गई है उसकी, लोअर है, हायर है, इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस जो वो जिससे हम इसे मेज़र करते हैं उसे बोलते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैसेस। ऑक्सीजन को भी वो मेंटेन करता है कि अंदर कितना ऑक्सीजन है उसके पास, वो सांस ले पाएगा या नहीं, और वो ये भी चेक करेगा कि अंदर क्या क्या कंबस्टिबल गैसेस बची हुई हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैसेस डिटेक्टर है, ये कंबस्टिबल गैसेस और ऑक्सीजन डिटेक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन डिटेक्टर है एक, जो मैं जिसकी बात कर रही थी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैसेस, ज़्यादातर ये वाला यूज़ किया जाता है ताकि हमें पता चल सके उसकी लिमिट्स का, अंदर की जो फ्लेमेबल एटमोसफेयर है क्या वो वर्क करने के लायक है या नहीं, ऐसा तो नहीं उसके अंदर से जो फ्यूम्स हमने निकाली थी उसके बाद वो रिलीज नहीं हो पाई, कुछ बची हुई हैं, तो हम इससे मेज़र कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम विदाउट चेक किए कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम एक बार इंश्योर तो करेंगे ना वो सारी चीज़ें अंदर ठीक से अप्लाई हो पाई हैं या नहीं, तो हम इसका यूज़ करते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैसेस का। इसको यूज़ करने से हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। ठीक है, हमें अंदर का जो भी फ्यूम्स हैं, ऑक्सीजन लेवल है, वो सारी चीज़ें ये बताने में हेल्प करता है, मॉनिटर करता है, क्योंकि और मॉनिटर करने के बाद ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है कि ये सारे इतने परसेंटेज ये है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे फायर एक्सप्लोजन प्रिवेंशन के लिए, हमने यही किया कि हमने इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, हमने कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने जाने के लिए एक इजी वे बनाया, हमने सारी चीज़ें चेक की ताकि एक्सीडेंट्स ना होने पाए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने ये प्रिवेंशन लिए। ठीक है, फायर एंड एक्सप्लोजन को हम ऐसे रोक सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में होने से, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा हम डायरेक्ट उसमें वर्क करने चले जाएंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट तो हो गई है ना, फ्लेमेबल अगर कोई उसके अंदर मटेरियल पहले से कंटेन था, उसकी फ्यूम्स उसमें रह गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे उस जगह को सेफ रख सकें, हमने सारी चीज़ें करी हैं, अब हमें पता कैसे लगेगा कि जो चीज़ें थी वो एकदम सेट हैं, मतलब एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं।
अब हमें वर्क करना शुरू करना है, उससे पहले अगर हमें चेक करना हो तो हम इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है, क्या फ्यूम्स हैं, फ्लेमेबल और गैसेस कितनी हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमें अगर वर्क करने के लिए जाना है तो हम पहले से चेक करके उसके बाद उसके सारे गैसेस और सारी चीज़ें रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करने के बाद हमें पता चल ही जाएगा हम वर्क परमिट, उसके बाद हम वर्क परमिट भी इशू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वर्क परमिट इशू ना करें, एंट्री परमिट यानी कि वर्क परमिट इशू करना होगा, उसमें आइडेंटिटी दी होगी, कन्फाइंड स्पेस की लोकेशन दिया होगा, पर्पस दिया होगा कि किस पर्पस से आप अंदर जा रहे हैं, आप सफाई करने जा रहे हैं, रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, हॉट वर्क करने जा रहे हैं, जो भी है। वैलिडिटी लिखी जाएगी उसमें कि आप इस टाइम से इस टाइम तक, इस डेट से इस डेट तक उसमें अलाउ हैं, इतने इतने टाइम पर आप वर्क कर सकते हैं। उसके साथ उसकी जो भी ज़रूरत के सामान है, इक्विपमेंट वगैरह, वो सब उसे प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाएगा, ऑक्सीजन लेवल उसे दिया जाएगा, बीए सेट वगैरह जो भी वो लेके जाता है अंदर, उसका परसेंटेज भी चेक कर लिए जाएंगे, ठीक है। एयर फ्लो, बाकी सारी चीज़ें भी, उसको अटेंड करने वाला जो अटेंडर है वो है यानी, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसको वर्क परमिट इशू होगा। वर्क परमिट इशू होने के बाद वो अपना वर्क कर सकता है इजीली। वर्क करने के साथ साथ उसको सारी सेफ्टी भी मिली, वर्क अच्छे से होगा, इजीली होगा और एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे इस बीच कोई भी, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का अभी टॉपिक जो चल रहे हैं उसमें से मैंने आपको कन्फाइंड स्पेस का पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंट्री कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रिकॉशंस तो मैं पहले ही बता चुकी थी। एयर क्वालिटी मेंटेन्ड कैसे करना है वो बता चुकी। एयर क्वालिटी टेस्टिंग कैसे होती है वो भी पता चल गया आपको, कि हम कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे, हम मॉनिटर करेंगे ये सारी चीज़ें। एक्सप्लोजन होने से कैसे रोक सकते हैं, हम पहले काम शुरू करने से पहले क्या करेंगे, फ्यूम्स को निकलवाएंगे, फ्यूम्स रिलीज करवाएंगे, देन उसके बाद एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, परमिट इशू करेंगे, देन उसके बाद ही वर्क शुरू होगा। परमिट तभी इशू होगा जब सारी चीज़ों से इंश्योर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। सब चीज़ें चेक की जाएंगी, चेक लिस्ट बनेगा कि ये चेक हुआ या नहीं, ये चेक हुआ या नहीं, सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये कन्फाइंड स्पेस का टॉपिक था, हाउ आर फायर एंड एक्सप्लोजन प्रिवेंटेड, तो ये मैंने आपको बताया आज, ठीक है। सो थैंक यू।